अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़र और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले हमारी 100+ वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं पावर एंड कंट्रोल वायरिंग पे, और आज हम बताने जा रहे हैं डिजिटल टाइमर के बारे में। इसकी जो एप्लीकेशन रहेगी वो आमतौर पर तो स्ट्रीट लाइट में और किसी भी मोटर को 3-फेस और सिंगल फेस मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं डिजिटल टाइमर का। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम इसकी जो पावर है वो 20 एम्पेयर है, और इसका जो चैनल है, चैनल इसके टू चैनल है ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चैनल 1 चैनल 2। ठीक है, और ये इसकी सेटिंग है, और अगर सिंगल चैनल आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये इसकी सेटिंग है चैनल 1। ठीक है, इसका 5 पे हम इसे फेस प्रोवाइड करेंगे और 10 पे न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे, और 2 इसकी कॉमन रहेगी, और इसका जो 3 नंबर है वो NC रहेगा और 1 नंबर NO। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी पूरी सेटिंग दी हुई है इस पर, और अभी हम आपको प्रैक्टिकल इसका इसे ऑन करके इसकी जो टाइमर की जो सेटिंग वगैरह वो करना सिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये टाइमर है, इसको अपने लूपिंग देना है 5 नंबर से 2 नंबर में, 5 से 2 में लूपिंग करना है। उसके लिए छोटा सा हमने एक वायर लिया है, ये वायर 5 से 2 में हम कनेक्ट कर देंगे, और एक दूसरा और भी वायर जो फेस प्रोवाइड करने के लिए 5 नंबर में, ये देख लीजिए, इसको कनेक्ट कर देंगे आपस में। और इसे सही से प्रॉपर टाइट कर लें, और इसके बाद हम न्यूट्रल के लिए वायर लेंगे जो कि 10 नंबर में, ये 10 नंबर में कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल के लिए वायर। ये वायर लिया न्यूट्रल के लिए और 10 नंबर में कनेक्ट कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इसको, यानी आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अभी आप हम इसे पावर प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइमर हमारा ऑन हो चुका है, और इसकी जो अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट के लिए यहाँ पर बटन आपको अवेलेबल है और रीसेट आप कर सकते हैं, और अगर आप इसमें जो इसकी जो टोटल सेटिंग आपने पहले से की हुई है उसे दोबारा रीसेट करना चाहते हैं, ओके और प्रोग्रामिंग का जो बटन है उसे एक साथ प्रेस करने पे आप तमाम डाटा जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी हम इसे ओके करेंगे, इसे आम हालत में लेके आएंगे, सेटिंग करेंगे इसकी थोड़ी सी। यहाँ पर हम देंगे जो टाइम, यानी इस वक्त कितना टाइम हुआ है, अभी हम टाइम देखेंगे, टाइम हो चुका है इस वक्त 4:24 PM। तो अगर हम ये जो टाइमर वाला, ये जो जिस पर घड़ी बनी हुई है, वॉच बनी हुई है, अगर इसको प्रेस करके रखेंगे तो फिर आवर काम करेगा, और अगर इसे एक एक बार छोड़ छोड़ के प्रेस करेंगे तो मिनट आएंगे यहाँ पर। जैसे अभी हम प्रेस करके रखेंगे इसे 1, 2, 3, 4, बस 4 आगे मिनट के लिए, मिनट आगे सेटिंग करने के लिए 20, इसे बार बार प्रेस करना होगा, इसे पुश करना होगा बार बार। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेकंड चल, आपको मिनट चलते हुए नज़र आ रहे हैं आगे 4:24। ठीक है, और उसके बाद इसे ओके कर देंगे, ये ओके का बटन है, इसे आप ओके करेंगे पुश, उसके बाद आ जाएगी इसकी प्रोग्रामिंग 1। ठीक है, मान लीजिए आप इसे स्ट्रेट लाइट में यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शाम को, यानी 6 बजे आपका जो लाइट है वो ऑन हो जाए, ठीक है, और सुबह मैक्सिमम 6:30 बजे ऑफ हो जाए, तो इसकी सेटिंग करेंगे ऑन सेटिंग, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन सेटिंग, तो इसको प्रेस करके रखेंगे, हाँ 6, यानी आप चाहते हैं 6 बजे ऑन हो जाए, तो 6 बजे ऑन हो गया,
इसे दोबारा सेटिंग पे लेके आते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और अभी जो मिंट हैं उनको हम ले आएंगे ज़ीरो पे। मिंट की आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं जितने मिंट पे आपको चाहिए ऑन, यानी 6:25, 30 मिनट या जितने मिनट पर भी आप ऑन करवाना चाहते हैं। तो अभी हम इसे दोबारा से 0:00 पे ले आएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि 6 बजे ये हमारा ऑन हो जाए। तो अभी इसकी सेटिंग ये देखिए, ये 6 पे सेटिंग होगी, इसे हम ओके कर लेंगे। यहाँ से ओके हो गया, ये हो गई ऑन सेटिंग, और अभी इसकी ऑफ सेटिंग देंगे हम, इसे ओके करना है, इसे पुश करना है, अभी इसकी ये नीचे वाला प्रोग्रामिंग का जो बटन है इसे पुश करने पर ऑफ सेटिंग आ जाएगी, यानी कितने बजे आप ऑफ करवाना चाहते हैं। तो इसे ये जो बटन है आपको नज़र आ रहा, जहाँ पर क्लॉक बना हुआ है, इसे पुश करके रखने से आपके आवर वर्क करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि सुबह 6:30 पर ऑफ हो जाए, तो अभी इसे बार बार पुश करने से यहाँ पर मिनट देख रहे हैं आप, यानी 25, 26, 27, 29, 30 पे अभी ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, और उसके बाद ये डे सेटिंग है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज़ के लिए हम सेटिंग देंगे इसकी, ठीक है। अगर आप एक दिन के लिए सेटिंग करना चाहते हैं, इसमें टोटल जो सेटिंग है वो 20 सेटिंग है, ठीक है। आप इस पर 20 प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको 2, 3 जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, प्रोग्राम 5, प्रोग्राम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 20 प्रोग्राम आप इससे मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।